नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। हाथरस के आरोपियों ने जेल से लिखी एसपी को चिट्ठी, लिखा लड़की को उसके माँ भाई ने मारा, हमारी दोस्ती उन्हें नहीं थी पसंद। हाथरस में पीड़िता के परिजन भयभीत, पिता बोले यही माहौल रहा तो छोड़ देंगे गाँव। भारतीय वायुसेना का आज 88वां स्थापना दिवस, आसमान में गरजा राफेल विमान। वायुसेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, जवानों को दी बधाई। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 78,524 नए मामले, 971 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का जन आंदोलन, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े और देश के सवालों के जवाब दें। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को मनाने के लिए राजनाथ ने संभाली कमान, पद्मश्री प्राप्त कई किसानों से की बात। बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरी भाजपा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सभाओं में 100 लोगों की सीमा की बाध्यता खत्म, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तीखा व्यंग, कहा देश को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री शिवराज की प्रदेश को सौगात, 4,120 किलोमीटर की लंबाई की 12,960 सड़कों का किया लोकार्पण। पीसी शर्मा का भाजपा पर तंज, कहा कर्ज माफी पर झूठ बोल रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस की हाईकोर्ट में याचिका हुई मंजूर, बीजेपी में शामिल हुए विधायकों के खिलाफ लगाई गई थी याचिका, उपचुनाव में हो रहे खर्चों के लिए ठहराया जिम्मेदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर बोला हमला, कमलनाथ पर जनता से गद्दारी का लगाया आरोप। शिवराज सरकार की नीतियों के विरुद्ध युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भोपाल में पदयात्रा कर किया प्रदर्शन। भानपुर में भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब का परिवहन करने वाले ट्रक को पकड़ा, 90 पेटी अवैध विदेशी शराब करी जब्त। उज्जैन में बेखौफ हुए अपराधी, बीच बचाव करने आए वृद्ध की करी हत्या, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में एक युवक की कुल्हाड़ी से हुई हत्या, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी में हाथरस कांड के बाद फतेहपुर में शिक्षिका की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, एक युवक हुआ गिरफ्तार। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। भटिंडा में 3 बच्चों की हत्या कर पिता ने की खुदकुशी, 2 शव चारपाई पर टांगे एक पंखे के हुक से। प्रधानमंत्री मोदी ने की अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला से मुलाकात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जीत की तलाश में बड़े बदलाव के साथ उतर सकती है पंजाब और हैदराबाद, आज होगी बिड़त। कोलकाता की जीत में चमके राहुल त्रिपाठी, चेन्नई को 10 रन से हराया।